एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बाजरे का खिचड़ा बनाना बता रहे हैं। ये देखिए, बाजरा लिया है हमने ये, और इसको हम एक बाउल में डाल के पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएंगे। तो ये 1 कप है और 1/4 कप यानी सवा कप बाजरा है। हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के हमने उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दिया था, और उसके बाद हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरह का दरदरा। ये देखिए, जो छिलका है वो उसका अलग कर लेंगे, और ये इस तरह का दरदरा कोटा बाजरा हमारा खिचड़ी के लिए तैयार है। 1/4 कप चावल और 1/4 कप दाल, इसको भी हमने अच्छे से धो लिया है और 5 मिनट के लिए सोक भी कर दिया था। थोड़ा सा लिया है हमने नमक, ये देखिए वाइट में दिखाई नहीं दे रहा है, स्वाद के अनुसार नमक हम ले रहे हैं। कुकर में हमने पानी उबलना चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं, और इसमें डाल रहे हैं हम ये बाजरा, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। पानी उबलने के बाद डालना है और इसको लगातार ऐसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। देखिए, बहुत यमी ये खिचड़ी लगती है, और एक बार उबल जाए अच्छे से फिर हम डालेंगे इसमें दाल और चावल। और बाजरा मैंने 1 कप ही लिया है, तो 1 कप के मेजरमेंट से आप बनाइए। 7 to 8 कप मैंने इसमें पानी लिया है, और पानी आप थोड़ा सा गर्म ना उबाल कर साइड में रख लीजिए, यानी अगर पानी कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। देखिए, आप इस तरीके से आप इसको मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रख दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। जो झाग ऊपर आ रहे हैं वो हम ऐसे छलनी से निकाल लेंगे और इनको बाहर गिरा देंगे। आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट पकते हुए हो गया है, हम इसको चलाते रहे हैं ताकि ये नीचे ना लगे। देखिए, कुछ इस तरह का ये हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और जो हमने चावल और दाल को भिगोया हुआ था वो भी हम डाल देंगे। बाजरा अभी पका नहीं है, तो ये सारे जो चावल दाल हैं वो हम इसमें मिला देंगे इस समय। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो ये मूंग की दाल और चावल से बनाई है हमने बाजरे की खिचड़ी। अभी भी सर्दियां हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत यमी लगती है। मेरे पास ये बाजरा रखा था तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं ये रेसिपी, और बहुत यमी और न्यूट्रिटिव तो है। देखिए, इंग्रेडिएंट्स कम हैं और बनाना भी आसान है, बस पकने में टाइम लगता है। इसको आपको काफी देर पकाना है। आप इस समय इसको खुला भी पका सकते हैं, बट मैं इस समय पानी बराबर है, नीचे लगने वाला नहीं है और ये उबाल आ रहा है, तो धीमी आंच पर मैं इसमें 2 सीटी लगवाऊंगी। तो कुकर को करते हैं बंद, खिचड़ी चेक कर लेते हैं। देखिए, कुकर की पूरी प्रेशर निकलने के बाद हमने ये देखा है, और ये देखिए बहुत अच्छे से ये घुटी घुटी खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इस समय इसको चेक करके देख लीजिए अच्छे से गल गई है, नहीं तो फिर और थोड़ी देर पका सकते हैं, लेकिन हमारी ये खिचड़ी बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। मैंने टेस्ट करके देखा है, थोड़ा नमक इसमें कम लगा है तो मैंने नमक इसमें डाल दिया है, और ये देखिए थोड़ी सी मुझे ये गाढ़ी लग रही है, क्योंकि रखी रखी भी ना ये थिक हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक केटल से, ये बॉयल वाटर है, ये डाल रही हूं। इस समय आपको ठंडा पानी नहीं डालना है, और जैसी आपकी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, जैसी खिचड़ी की कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी आप कर लें। इस समय मैं इसमें 1 चम्मच घी भी डालूंगी। घी ऊपर से भी आप डाल के खाइए, बहुत अच्छा इसका स्वाद लगता है, और गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये रखी रखी थिक हो जाती है, तो आप उस तरह से इसकी इसको पतला कर सकते हैं। अब मैं फिर से इसको धीमी गैस पर पकाऊंगी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब ये देखिए 5 से 10 मिनट इसको पकते हुए हो गया है, और एक एक कण जो है इसका गल गया है,
और इस तरह से ये मिक्स हो गई है। जब तक ये इस तरह से मिक्स नहीं होगी ना, तब तक ये टेस्टी नहीं लगेगी। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये आप राजस्थानी ढानीज में जाते हैं, चोखी ढानी और आपके ये नखराली ढानी, तो उसमें इस तरह की खिचड़ी ये मिलती है। देखिए बहुत ही यम्मी लगने वाली खिचड़ी बनकर तैयार है। तो ये देखिए गुड़ है, बाजरे का खिचड़ा है, और उस पर जाएगा ये देसी घी। तो लग रहा है ना कमाल, करेंगे ट्राई, जरूर बनाइएगा, खाइएगा। आप देसी बूरा जो खांड आती है उसको भी डाल के लोग खाते हैं। इसमें कोई तड़का नहीं है, न्यूट्रिटिव है, बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।